हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें बताता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डिंग करते हैं और कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली है क्या? हाइब्रिडाइजेशन होता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल भी मिल सकते हैं आपस में या फिर उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। वो होता कैसे है एग्जैक्टली, तो हम वो पढ़ेंगे। हम सबसे पहले प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। पहले प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। तो मेरे पास अगर एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, ये मेरा एस ऑर्बिटल हो गया और ये मेरा पी ऑर्बिटल हो गया। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, तो हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे? एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। तो ये मेरा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। वो कैसा दिखता है? एक हम बड़ा लोब बनाते हैं और एक छोटा लोब बनाते हैं। और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे हमने दो ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है, तो हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। ये मेरा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये भी मेरा एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे अगर हमने दो ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो हमें दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, एक और एक, ये दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एनर्जी में दोनों सेम होते हैं, एनर्जी और शेप दोनों का सेम होता है। तो अगर मैं एसपी हाइब्रिड एक एस और एक पी ऑर्बिटल को मिला के दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा तो वो दोनों एनर्जी और शेप में दोनों सेम होते हैं। और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि रिपल्शन सबसे कम हो। जैसे कि अगर मेरे पास दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो वो आपस में ऐसे अरेंज हो जाएंगे ताकि दोनों के बीच में रिपल्शन सबसे कम हो। तो अगर मेरे पास दो हैं तो वो 180 डिग्री का एंगल बना लेंगे आपस में, ताकि उन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ही कम हो। और अगर हम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर की बात करें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे मैं एक एस ऑर्बिटल लिया और दूसरा पी ऑर्बिटल लिया, तो मेरे पास एस ऑर्बिटल कितने हैं? एक, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं दो, तो यहाँ पे 1/2 है मेरा एस कैरेक्टर। और पी ऑर्बिटल कितने हैं? एक, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं दो, तो यहाँ पे पी कैरेक्टर है 1/2। तो इसका मतलब हो गया 50% मेरा एस कैरेक्टर है और 50% ही मेरा पी कैरेक्टर है। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि मैं एक एस ऑर्बिटल लूंगा, एक पी ऑर्बिटल लूंगा और एक और पी ऑर्बिटल लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो पी हो गए, एक दो, तो यहाँ पे दो पी हो गए और एक एस ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर इन तीनों को मिक्स करूँ, ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर मैं मिक्स करता हूँ, ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैंने अगर मिक्स किया, तो यहाँ पे मुझे मिलते हैं तीन हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तीन हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये भी कैसे लगेंगे? एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा। तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मेरे पास तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो यहाँ पे एक, दो और तीन,
तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे मुझे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? तीन। और जैसे कि हमने बात करी थी, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ये मेरा एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। तो ये कैसे थे? ये एक sp2 था, ये एक sp2 था और ये एक sp2 था। वो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। तो यहां पे फिर एंगल कितना होगा? अगर मेरे पास तीन ऑर्बिटल है, वो तीनों अपने आप को ऐसे अरेंज करना चाहें कि रिपल्शन मिनिमम हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री। और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो ये मेरी ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे मेरे क्या थे? तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। ये एक sp2, ये एक sp2 और ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे मेरी ज्योमेट्री क्या थी? sp के केस में अगर आप याद करें तो sp के केस में मेरी ज्योमेट्री थी लीनियर, बिकॉज दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतर था। और यहाँ पे मेरा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो और अगर हम बात करें S और P कैरेक्टर की, S कैरेक्टर और P कैरेक्टर की बात करें, तो वापस से S ऑर्बिटल कितने हैं? एक, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं तीन। तो 1/3 होगा मेरा S कैरेक्टर और उसी प्रकार से 2/3 होगा मेरा P कैरेक्टर। तो फिर ये हो गया मेरा 33.33%, और ये हो गया मेरा 66.66%। तो ये S और P कैरेक्टर निकाल दिया मैंने। अब हम बात करते हैं एक और प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां तक है आप लोगों ने अब पता लगा लिया होगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक S और तीन P, एक S और तीन P ऑर्बिटल्स। तो ये मेरा S ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा P ऑर्बिटल, ये मेरे तीन P ऑर्बिटल हो गए, px, py एंड pz। ये चारों मिलके मेरे को क्या देंगे? ये चारों मिलके मेरे को चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे? ये है एक और तीन p है मेरे पास। तो फिर मेरे को टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलने चाहिए? चार। और वो चारों कैसे अरेंज होने चाहिए? वो चारों एक ऐसे अरेंजमेंट में होने चाहिए कि रिपल्शन मेरे मिनिमम हो। तो फिर चार के लिए मिनिमम रिपल्शन वाला कौन सा ज्योमेट्री है? चार के लिए है टेट्राहेड्रल। तो ये मेरा एक बड़ा लोब हो गया, ये छोटा लोब, ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब और ये बड़ा लोब और ये छोटा लोब। ये मेरी ज्योमेट्री क्या होती है? ये मेरी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये एक 3D अरेंजमेंट है जिसमें कि एंगल क्या होता है? एंगल, सारे एंगल्स 109.5 डिग्री होते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल होता है? 109.5। तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरा चार हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे हैं यहाँ? ये मेरा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और एंगल कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री। और अगर हम एस और पी कैरेक्टर की बात करें तो एस कैरेक्टर कितना होता है? एस कैरेक्टर इसमें हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4 हो जाएगा क्योंकि मेरा एक एस ऑर्बिटल है और तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, तो 1/4 हो गया। और पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये कितना होगा? ये हो गया मेरा 25% और ये हो गया मेरा 75% मेरा पी कैरेक्टर हो गया और एस कैरेक्टर हो गया 25%। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो ज्योमेट्री बनाता है टेट्राहेड्रल। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक एस और तीन पी मिलके, तीनों मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो हमें चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि चारों सेम एनर्जी के होते हैं। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो सारे सेम एनर्जी के और सेम शेप के होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिडाइजेशन की।
और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलते हैं, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एस और तीन पी मिला रहे थे तो टोटल मिलके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, और sp2 के केस में हमें तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले थे, और sp के केस में हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले थे। और तीनों में शेप क्या क्या थी, एक में लीनियर शेप थी और दूसरे में ट्राइगनल प्लेनर शेप थी और तीसरे में टेट्राहेड्रल शेप थी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, किसके, sp हाइब्रिडाइजेशन के, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। हम तीनों का एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन, कार्बन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि ये कार्बन तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp, sp2 और sp3 तीनों टाइप के, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।